मैं ग्राफ बनाने के लिए कह रहा हूँ, और वो है कि सपोज मैंने एक बॉल को बाउंस करने के लिए दिया या ड्रॉप किया, और मैं हाई ड्रॉप 320 meters, 320 meters ऊपर से मैंने एक पत्थर को गिराया या बॉल को गिराया, और हर बार बॉल का वेलोसिटी आधा हो जाता है कंपेयर टू लास्ट टाइम। यानी इस बार जैसे आइडियल केस में क्या होता है, अगर यहां से छोड़ो तो बाउंस करते 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 हमेशा ऐसे ही बाउंस, ये हो गया आइडियल केस। और इस बार हम आइडियल केस की बात नहीं कर, इस बार मैंने क्या बोला, हर बार वेलोसिटी आधा हो जाता है, तो ऑब्वियसली फिर उतना ऊपर तो नहीं जाएंगे ना, क्या होगा फिर, तो यहां से अगर छोड़ोगे ऐसे हो जाएगा, करते करते कभी ना कभी रुक जाएंगे। तो ऐसे केस में तुमको दो तीन ग्राफ्स बनाना, नंबर वन बीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ और वीएस ग्राफ। तो मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं तुमको बनाना है इस बाउंसिंग बॉल के लिए। एवरी बाउंस स्पीड आधा होने के कारण क्या होगा, जितने ऊपर से उसने बाउंस किया अगले बार थोड़ा कम जाएगा, फिर वहां से जब बाउंस बैक करेंगे तो अगले बार उससे भी कम जाएगा, एंड सो ऑन। तो दिस प्रोसेस विल गो ऑन, ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन। चलो गो अहेड, फटाफट ड्रॉ करो, मैं आधा मिनट का टाइम दे रहा हूं। सबसे पहली बात तो बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, है ना, स्ट्राइक करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2gh, यानी क्या होगा 80 meters per second, है ना। तो वेलोसिटी जो भी होगा यहाँ पे स्ट्राइक करने का होगा अंडर रूट ऑफ 2gh, और नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड तक वेलोसिटी जो है जीरो से ऐसे, और एक झटके में बाउंस करते ही वेलोसिटी आधा हो जाएगा, आधा होता तो प्लस 40 होना, क्यों, रिवर्स भी तो करेगा, जैसे आया माइनस 40 पे या माइनस 80 पे, पर जाएंगे कैसे प्लस 40, एकदम माइनस 80 से प्लस 40 होगा, फिर 40 से ऊपर जाएंगे तो 40, 30, 20, 10, 0, और ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड, क्यों, अगर यू वेलोसिटी से किसी पत्थर को फेंको तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, यू बाई जी, है ना, क्योंकि वी इज इक्वल टू प्लस 80, तो यू माइनस जी टी, यानी टी कितना आ जाएगा, यानी 4 सेकेंड, तो ये हो गया 8, 4, 12 सेकेंड, इसको रुक जाएगा क्योंकि ऊपर जाके फिर उसके नीचे आना होगा, तो लास्ट ही नेगेटिव, तो जब वो ऐसे हो जाएगा फिर प्रोसेस से फिर लास्ट एकदम आधा हो जाएगा, फिर ऐसे फिर लास्ट आधा हो जाएगा, ऐसे फिर लास्ट आधा हो जाएगा, इस तरीके से तो ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस, ठीक है ना, ये 8, फिर 4, 12, फिर 2, 14, फिर 1, 15, फिर आधा, 15.5, इसी तरीके से हर बार टाइम भी आधा आधा होता है, एंड सो ऑन।
ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इस केस में हमेशा नेगेटिव हो। यू माइट से क्यों, अगर मान लो बॉल बाउंस करके वापस जा रहा है उस समय तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा ना, है ना। तो मेरा यहां पे एक सवाल है, इस तरह इज दैट कैन यू एक्सप्लेन हाउ इज इट दैट आई एम क्लेमिंग कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेगेटिव हो। ठीक है चलो, ऋषि बताओगे बेटे डिस्प्लेसमेंट को मैं क्यों हमेशा नेगेटिव कह रहा हूं। So, क्योंकि हमने मतलब एक्सेलरेशन को की डायरेक्शन के ऑपोजिट है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो ऊपर से फेंक रहे हैं। फेंका तो नहीं, ड्रॉप किया गया है, बट इवन पूरे एक्सेलरेशन ढंग से नहीं हुआ। और कुछ सर, जो हाइट रीच होगी बॉडी की वो हमेशा 320 से कम होगी बार बार ही, जैसे यानी क्या, ये इसका इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, जब इस पॉइंट से वो ऊपर जाएंगे तब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और अगर इस पॉइंट से नीचे है कहीं पे तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। वो तो हमेशा नीचे रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक जाएंगे और फिर यहां तक जाएंगे, फिर यहां तक आएंगे, फिर यहां तक जाएंगे, फिर यहां तक आएंगे, फिर यहां तक जाएंगे, उस पॉइंट के ऊपर जाने का तो कोई चांस ही नहीं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेगेटिव। और कैसे होगा ना, डिस्प्लेसमेंट होता है एसयू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, है ना, इसलिए ये हो जाएगा एस करके माइनस एट से। फिर क्या होगा, फिर देखना इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो यहां से स्टार्ट हुआ ना तो माइनस 320, इसके बाद देखना ये कम जाएंगे और हर बार देखना 1/4 जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर मान लो तुमने यू को यू से फेंका है तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, कितना जाता है x is equal to u square by 2g, कैसा है ना, you know v square is equal to u square minus 2gh, v square is equal to u square plus 2as वाले equation में हम अगर put करते क्या होता, v square is equal to u square minus 2gh, और v तो zero है highest point पे, तो zero square is equal to u square minus 2gh, that's कितना हुआ u square by 2g। अब velocity आधा हुआ है तो इसका मतलब u का value आधा हो गया, तो height तो 1/4 हुआ ना, यानी अगर 320 हुआ तो एक्चुअली ये 80 तक जाएगा, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया फिर 240, और इस तरीके से चलता रहे। तो देयरफॉर माइनस 320 से अभी हो जाएगा 240। ये एक्चुअली 80 मीटर तक जाएगा, बट 80 का मीटर का मतलब ही तो 240 हुआ, क्यों, 80 मीटर क्यों जाएगा, देखो 80 मीटर पर सेकंड इसके स्ट्राइकिंग करने के पहले का वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग करने के बाद का वेलोसिटी होगा 40, तो वेलोसिटी आधा, तो हाइट 1/4 हो जाएगा। इस वजह से आप इस तरीके से, फिर अगले बार क्या होगा, ये वन एस इस दो एस एस एंड सो इसी लाइन पे टीमेंट किया है। अब अगला वाला देखो, v square is equal to u square plus 2a, ये होता है इसका इक्वेशन, इस केस में तो आ जाएगा v square is equal to minus 2gh, है ना, यानी x proportional v square से, इसी अगर स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ जा रहा और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव,
और एस प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर और लेकिन माइनस है। तो ये ग्राफ कैसे जाए? जो क्या माइनस 320 माइनस, याद रखना बाउंसिंग के ठीक पहले यानी स्ट्राइकिंग के ठीक पहले वेलोसिटी माइनस 80 नहीं था, 80 तो उसका वैल्यू था, जो हमने 80 निकाला नहीं इसका वैल्यू है, बट क्योंकि डाउनवर्ड्स है तो माइनस 80। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक झटके में इसका वेलोसिटी हो जाएगा प्लस 40, माइनस 80 से एकदम से प्लस 40 है। पर इस बार ये 240 तक ही जा पाएगा डिस्प्लेसमेंट, माइनस 240 माइनस 240 होगा, एकदम से इसका वेलोसिटी हो जाएगा प्लस 20। फिर ऐसे और ऐसे करके फिर ऐसे और वो छोटा होता जाएगा एंड सो ऑन। This is what is going to be the graph. This is a very interesting graph and also a very difficult to draw graph. ठीक है? चलो मैंने तीनों ग्राफ्स बता दिया and obviously ये वाला जो क्वेश्चन था ये यहाँ पे मैंने ये पूरे ऐसे ठीक है पूरे क्वेश्चन में ऐसे डाल दो। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसके पहले भी एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया था वो भी इंपॉर्टेंट था, चलो वो फिर भी थोड़ा सा इजी था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हल्का सा इजी है, लेकिन इसके बाद वाले यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। चलो मुश्किल था जी सर, बाकी के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये जो मैंने बनाया तो समझ में आ रहा है अच्छे से? जी सर। सर मैंने दूसरे वाले में एस जो था वो पॉजिटिव लेके कर दिया था, फिर बाद में मेरे को समझ आया कैसे नेगेटिव कैसे हुआ। वो एक्चुअली पता क्या है ना, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना बोला जाने तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव आता है, तो अगर पार्टिकल नीचे जा रहा है तो फिर वो नेगेटिव होता है, ये चक्कर हो रहा है। हां पूछ रहे हो या बता रहे हो? नहीं सर पूछ रहा था। हां क्या पूछ रहा था बताओ। नहीं सर आपने वैसे बता दिया। अच्छा सर बता दीजिए। आज हम लोग का टारगेट है 2D क्वेश्चन, आज हम लोग का जो मेन टारगेट है वो है 2D मोशन, ठीक है ना। और 2D मोशन में दो टॉपिक्स है, नंबर वन टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइम, नंबर टू इज सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स। सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स ये जो है दो टॉपिक्स, ठीक है। अब इनमें से ना प्रोजेक्टाइल को बाद में करें, आज हम लोग सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करेंगे। जनरली सर्कुलर मोशन में ज्यादा डाउट है, लेकिन सर्कुलर मोशन में डायनेमिक्स नहीं करेंगे, वो अलग चैप्टर है, वो अलग टॉपिक है, वो लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी में कवर होगा। आज हम लोग सिर्फ उसका काइनेमेटिक एस्पेक्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे सपोज मैं तुमसे पूछता हूं, सपोज मैं तुमसे पूछता हूं कि व्हाट इज द ओमेगा ऑफ द अर्थ, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द ओमेगा ऑफ द आवर हैंड,
what is the omega of the minute hand and what is the omega of the second hand. So yaar iska matlab kya hai ki we are straight away entering the domain of angular velocity. So what are the quantities? Displacement ke corresponding hota hai angular displacement. Main sirf padh ke suna raha hu, itna likhne ka time nahi hai. Displacement ke corresponding angular displacement, velocity ke corresponding angular velocity, or acceleration ke corresponding angular acceleration. So these are similar quantities. और अगर मान लो अल्फा कांस्टेंट होता है, जैसे लीनियर मोशन में अगर ए कांस्टेंट होता है तो हम तीन या चार इक्वेशन लिखते हैं ना. वो कौन सा है ना, वी इज प्लस एटी, वी स्क्वायर इज स्क्वायर प्लस टू एस, एस इज प्लस हाफ एटी स्क्वायर और एस एन एथ इज यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन. ये चार इक्वेशन हम लिखते हैं इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. सिमिलरली अगर मान लो अल्फा कांस्टेंट होगा, अगर अल्फा कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, और अगर फोर्थ वाला जानना चाह रहे हो तो क्या होगा, थीटा एन एन, जैसे ना डिस्प्लेसमेंट इन द एन एन सेकेंड, ऐसे होगा थीटा एन एन. क्या एस एन एन का फॉर्मूला क्या है, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन. सिमिलरली यहां पे भी हो जाएगा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा बाई टू इंटू टू एन माइनस. थीटा एन एथ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा बाई टू इंटू टू एन माइनस आ गया ना थीटा एन एथ. तो उसी कंटेक्स्ट में मैं पूछना चाहूंगा कि ओमेगा ऑफ द आर्क क्या है, आवर हैंड का क्या होगा, मिनट हैंड का क्या होगा, सेकंड हैंड का. तो लेट्स स्टार्ट विद ओमेगा ऑफ द अर्थ. तो ओमेगा ऑफ द अर्थ क्या बताओगे बेटे, साइंस बताओ बेटे, ओमेगा ऑफ द अर्थ कि अगर थीटा बाय टी होगा, अगर यूनिफॉर्म होता है तो थीटा हो गया 2 पाई वन सर्कल और कैपिटल टी हो गया टाइम पीरियड यानी टाइम टेकन टू कवर वन सर्कल, है ना. और क्या इन जनरल हाउएवर अगर कैलकुलस के टर्म्स में लिखोगे तो क्या क्या होगा, यूजिंग कैलकुलस, कैलकुलस में जैसे होता है ना v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, ऐसे सर्कुलर मोशन में भी कैलकुलस के भी रूल्स हैं. तो क्या हो जाएगा, ना ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय dt, अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt और इज आल्सो इक्वल टू ओमेगा इनटू डी ओमेगा डी थीटा. ये भी नोट कर लो, ये वाला फर्स्ट का ये वाला, ठीक है ना. ये सब तो उसी के कार्बन कॉपी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. और एक और भी आता है, दैट इज अल्फा इज आल्सो इक्वल टू अल्फा इज आल्सो इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेकेंड डेरिवेटिव. और इंटीग्रेशन वाले इक्वेशंस क्या होंगे, इंटीग्रेशन वाले ना एक होता है डेल्टा ओमेगा. डेल्टा ओमेगा मतलब होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इट्स नॉट एंगुलर वेलोसिटी माइंड यू, इट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा डीटी और डेल्टा थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डीटी, ठीक है ना. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा डीटी इंटीग्रेशन और एंगुलर वेलोसिटी का चेंज इज इक्वल टू अल्फा डीटी का इंटीग्रेशन, ठीक है. तो दैट मोर ऑर लेस समराइजेस द फॉर्मूले पर से, ओके.
लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस देन. ओमेगा ऑफ द अर्थ, यस चांस बताओ ओमेगा ऑफ द अर्थ. सर टाइम पीरियड अगर रोटेशन की मानेंगे तो सर मतलब 24 इनटू 16 इनटू 60 हो जाएगा. और सर डिस्टेंस क्या होगा, मतलब समझ नहीं आ रहा. डिस्टेंस शायद 2 पाई ले ले. मुझे तो बता रहा हूं 24 घंटा, 24 घंटे में कितने सेकंड्स होता है, 24 इनटू 60 इनटू 60. तो उसको जनरली हम लोग कैलकुलेट करके याद रखते हैं, दैट इज 8640. ठीक है ना, चलो ठीक है. आसुसात ओमेगा ऑफ द आवर हैंड sir 2 pi divided by 12 into 16 into 60. I think that's also simple. 2 pi by 12 into 16 into 60. Or minute hand ka jagah sir. Minute hand ka jagah 2 pi by 60 into 60. क्योंकि minute hand एक घंटे में एक circle करता है. एक घंटा मतलब क्या 60 minutes और 60 minutes को seconds में convert कर दिया. और second hand का एक minute में cover करता है. 60. सपोज मैं कहता हूं कि एक सर्कल, इसके अंदर एक पार्टिकल यहां पे स्टार्ट किया, एक पार्टिकल यहां पे स्टार्ट, एक पार्टिकल यहां जा रहा है पाई बाय 4 रेडियन पर सेकंड, इधर जा रहा है, और ये जा रहा है पाई बाय 6 रेडियन पर सेकंड. क्वेश्चन इज इनके बीच में फोर्थ मीटिंग कब होगा, व्हेन विल द फोर्थ, या चलो फोर्थ भी छोड़, एन एफ meeting. When will the nth meeting happen? ठीक है, चलो go ahead. तो इसका आंसर कोई देना चाहोगे, निश्चित आंसर आ गया सर? अभी सॉल्व कर रहे हैं, बस 2 मिनट. अच्छा ठीक है, सुजात आंसर आया क्या सर? n by 4 सर लग रहा है. कितना आ रहा है? n by 4 n upon 4 yes n upon 4. वेन का मतलब होता है कब, मतलब टाइम पूछा जा है ना. चल देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ना रिलेटिव मोशन कब हो रहा है, क्यों? तो देखो जब ऐसे करके दो ऑब्जेक्ट जाते हैं और ओवरटेकिंग वगैरह करते हैं तो डोंट बी स्टडी. तो इस केस में भी रिलेटिव मोशन, क्यों? ये भी सर्कल में जा रहा है, ये भी सर्कल में जा रहा है, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं तो कभी ना कभी टच कर रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है. तो लेकिन एक चीज हमें समझना पड़ेगा, ये फास्ट है ये स्लो है तो ये पीछे से, लेकिन ये फास्ट है ये स्लो है, इसलिए ये वाला ऑब्जेक्ट उसको टच नहीं करेगा सामने से जाके, ये वाला ऑब्जेक्ट पीछे से आके इसको टच करेगा यानी पार करेगा. अच्छा 4 इंटू एन फोर, सो मेरा भी 4 इंटू एन है. चलो देखते हैं. तो देयरफॉर सबसे पहली बात तो ये जो है ना यहां से आके इसको मीट करें,
तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ देखो एक दूसरे रेस्पेक्ट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग का टाइम क्या होगा थीटा रिलेटिव, तो थीटा रिलेटिव क्या होगा देखो अब ये देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा तो थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर ये फास्ट होता और ये स्लो होता तो यही वाला बंदा जाकर ओवरटेक करता, पर ऐसे नहीं हो रहा, ये स्लो है वो फास्ट है इसलिए वो पीछे से जाके इसको ओवरटेक करेगा, इसलिए सिचुएशन थोड़ा अलग है, इसलिए इस बार थीटा रिलेटिव हम लेंगे पाई बाय थ्री ले लेंगे। यू माइट से क्वेश्चन में तो पाई बाय थ्री दिया है, क्वेश्चन में पाई बाय थ्री दिया है लेकिन मेरे सिचुएशन के हिसाब से पाई बाय थ्री इज नॉट द रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस बार रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पीछे वाला एंगल होगा यानी 2 पाई माइनस पाई बाय थ्री, ठीक है ना, यानी कितना हो गया 6 पाई माइनस यानी 5 पाई पाई थ्री, ये हो गया फर्स्ट मीटिंग का रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाओ रिलेटिव वेलोसिटी, तो ओमेगा रिलेटिव, ओमेगा रिलेटिव क्या हो गया पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, ओमेगा रिलेटिव तो थीटा रिलेटिव 5 पाई बाय 3, ओमेगा रिलेटिव पाई बाय 12, देयरफॉर टी इज इक्वल टू थीटा रिलेटिव पाई ओमेगा रिलेटिव, है ना, ओमेगा क्या होता है थीटा बाय टी, तो ओमेगा रिलेटिव क्या होगा थीटा रिलेटिव बाय टी, तो टी क्या होगा थीटा रिलेटिव बाय ओमेगा रिलेटिव, यानी समझो ओमेगा रिलेटिव क्या होता है थीटा रिलेटिव बाय टी, तो टी क्या हो जाएगा थीटा रिलेटिव बाय ओमेगा रिलेटिव, तो थीटा रिलेटिव आ चुका है पाई पाई बाय 3 अपॉन ओमेगा रिलेटिव आ चुका है पाई बाय 12, या That is equal to how much? Pi pi cancel हो गया, 5 हो गया, तो 20 centimeters. Yeah. 60 by 3 यानी 20 seconds. यानी पहला मीटिंग में टाइम लग गया 20 सेकेंड, बड़ा भी रुको। अब क्योंकि दोनों सेम स्पॉट में आ चुका है, अब जो थीटा रिलेटिव होगा अब क्या होगा एक एक्स्ट्रा सर्कल कवर करना पड़ेगा फास्टर वाले बंदे, देखो अगला मीटिंग का जो इंटरवल्स होगा अब फिक्स हो गया, क्यों हर बार मिलेंगे उसके बाद एक एक सर्कल एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, फिर एक और एक्स्ट्रा सर्कल कवर करना पड़ेगा, यानी अब जो मीटिंग का फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड होगा तो अब क्या हो गया मीटिंग टाइम, ठीक है ना, मीटिंग इंटरवल ऑफ सेकेंड मीटिंग का इंटरवल, ठीक है, सेकेंड मीटिंग का इंटरवल क्या होगा ना, अब क्योंकि ऐसे करते करते अब एक जगह आ चुका है, यानी अब जो फास्टर वाला बंदा है उसको एक एक्स्ट्रा सर्कल कवर करना पड़ेगा, यानी अब उसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 2 पाई करना पड़ेगा, देखो सेकेंड मीटिंग का इंटरवल क्या होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव जो कि पाई बाय 12 है, यानी पाई बाय 12 यानी कितना हो गया 24 सेकंड, यानी पहला मीटिंग हो गया 20 पे, अगला होगा 20 प्लस 24 पे, अगला होगा 20 प्लस 2 इनटू 24 पे, अगला होगा 20 प्लस 3 इनटू 24 पे, क्यों अब वो 24 ऐड होता जाएगा एंड सो ऑन, देयरफॉर tn यानी nth मीटिंग का टाइम क्या हो जाएगा ना इक्वल टू 20 प्लस n माइनस 1 इसलिए हो रहा है कि देखो सेकेंड वाले में 24 इंटू 1 है, थर्ड वाले में 24 इंटू 2 है, फोर्थ वाले में 24 इंटू 3 है, तो nth वाले में क्या होगा 24 इंटू n माइनस 1 एक कम हो रहा है, और जो पहला मीटिंग का टाइम है 20 सेकेंड वो तो लग रहा ही लगना है, तो 20 सेकेंड और उसके बाद सेम टाइम के बाद बाद जो है मिलते रहेंगे, ठीक है ना, चलो आंसर अब देखो अच्छे से सब क्लियर हो गया, साइंस बेटे समझ में आ गया जी सर, चलो ठीक है, ऋषि दास आशुतोष सुशांत यस सर, ओके यस सर, दिस वाज मोर ऑफ एन एग्जांपल ऑफ रिलेटिव सर्कुलर मोशन, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर एक अकेला ऑब्जेक्ट को स्टडी करो दैट इज मोशन, और अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को स्टडी करते हो या दो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हो दैट इज रिलेटिव मोशन,
अगर स्ट्रेट लाइन में होता या कोई जनरल मोशन होता तो रिलेटिव मोशन बोल देते हैं, पर ये स्पेसिफिक टू सर्कुलर मोशन है इसलिए हो गया रिलेटिव सर्कुलर मोशन एंड सो ऑन। ठीक है, अभी तक हमने जो फोकस किया था बहुत ज्यादा एग्जांपल करने का टाइम तो नहीं है, बट एटलीस्ट आई हैव गिवन यू सम इंडिकेशन ऑफ कि हाँ सर्कुलर मोशन कैसे काम करता है। बट अभी तक हमने जो फोकस किया था ना, इट वाज मोर ऑन एंगुलर क्वांटिटीज इन सर्कुलर मोशन। एंगुलर मतलब थीटा ओमेगा अल्फा, ये होता है एंगुलर क्वांटिटीज ऑफ सर्कुलर मोशन। अब हम बात करेंगे लीनियर क्वांटिटीज इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे लीनियर क्वांटिटीज। जरा सोचो, इवन व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, ऐसे कर तो क्या होता है, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, यानी हर इंस्टेंट पे किसी ना किसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट तो कर रहा है, एग्री करोगे ना। देयरफॉर लीनियर क्वांटिटीज इन सर्कुलर मोशन का तुमको स्टडी करना, इन दैट केस क्या होगा, लेट मी ड्रॉ द सर्कल। और मान लो पार्टिकल यहां पे कहीं पे है, आप ऐसे चल, इन दैट केस उसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, ठीक है ना, वो होगा टेंजेंशियल वीटी। और वीटी का फॉर्मूला क्या है ना, ओमेगा इनटू आर। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है ओमेगा इनटू आर। हाँ, अगर तुम बोलोगे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो आज उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है वेक्टर फॉर्म, बट चलो कोई ना, इसमें फॉर्मूला बता देता हूँ। वो क्या हो जाता है, अल्फा वेक्टर, जितने भी ये रोटेशनल मोशन है सर्कुलर मोशन वेक्टर्स होते हैं ना, ये सारे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होता है, अलोंग द एक्सिस होता है। दैट्स हाउ, तो ओमेगा वेक्टर, थीटा वेक्टर, अल्फा वेक्टर एक्सेट्रा, और भी है जैसे टॉर्क वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, एंगुलर इंपल्स वेक्टर, ये सारी तमाम चीजें हैं। बट अभी हम लोग उसमें कोई जरूरत नहीं है, अभी तो हम लोग तीन ही चीजें देखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसलिए इन्हीं तीनों पर फोकस किया जाए। फिर इनके जो वेक्टर्स होते आर डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस which is perpendicular to the plane of the circular or थीटा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर, अल्फा वेक्टर एक्सेट्रा आर डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। तो जैसे इस केस में, इस केस में बता सकते हो कि ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे ये सर्कुलर मोशन चल रहा है अभी, मान लो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इस केस में बता सकते हो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। ऋषिता बता बेटे। सो सो क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के टर्म्स? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, हमेशा याद रखना वेक्टर का मतलब होता है आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप, या इनके मिक्सचर, थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप, इस तरीके से। तो तुमको भी उस तरीके से ही बताना। हाँ, ट्राई करो दोबारा। साइंस ट्राई करो बेटे। सुशांत आउट ऑफ द बोर्ड,
यानी के कैप हो जाएगा। देखो थोड़ा ध्यान से इसका डायरेक्शन पढ़ो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन तो बोर्ड प्लेन पे है ना, है ना, तो परपेंडिकुलर के लिए दो ही ऑप्शन होता है, परपेंडिकुलर या तो आउट या तो परपेंडिकुलर इन, दोनों में से एक ऑप्शन है। तो इसमें देखना क्या होता है ना, इसमें जो रूल होता है वो पता क्या होता है कि यूज लाइक दिस, यूज द कर्ल ऑफ द फिंगर अलोंग, मतलब कर्ल ऑफ द फोर फिंगर्स, कर्ल ऑफ द फोर फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, ऐसे केस में थंब विल गिव द आंसर, ऐसे ऐसे जो भी ओरिएंटेशन होगा। जैसे इस केस में अगर देखोगे तो आंसर हमारे दो ही के बीच में आएगी, या तो के कैप या तो माइनस के, तो डिसाइड कैसे करेंगे, देखो इस बार हो जाएगा प्लस के कैप, यानी इसका जो ओमेगा वेक्टर होगा ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी भी, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर भी के कैप होगा तो ओमेगा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू या डायरेक्शन माइनस के कैप होगा तो ओमेगा का वैल्यू घटता जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो चलो कोई नहीं, वो तो अल्फा दिया होगा तब की बात है, अभी तो फिलहाल अल्फा की बात नहीं चल रहा, तो फिलहाल ओमेगा की बात है। अब ये होगा वेलोसिटी टेंजेंशियल, अगर मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन बी सपोज तो कुछ है जो भी है तो इन दैट केस का पता क्या होगा, ये तो वेलोसिटी हो गया टेंजेंशियल, क्योंकि ओमेगा क्रॉस आर या मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा। अगर एक्सेलरेशन देखोगे, इन दैट केस देयर आर टू एक्सेलरेशंस, एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट बी हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एंड द अदर इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन रेडियल, रेडियल के एक और नाम भी है दैट इज सेंट्रीपिटल, सो दिस इज कॉल्ड रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब पता क्या होगा अब आता है फॉर्मूला, तो ए टी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अल्फा आर होता है, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सिमिलरली ए रेडियल का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर, तो वो ए रेडियल कैसे हो जाएगा इस केस में, इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। आई होप इट्स ओके। यानी अगर टोटल एक्सेलरेशन पूछोगे तो क्या होगा, टेंजेंशियल प्लस रेडियल का सब वेक्टर सब। अब मैं काम करता हूं, मैं फटाफट क्वेश्चन दे रहा हूं, आई होप यू कॉपी इट अप। ये क्विक समरी इसलिए देते हैं क्योंकि देखो प्रोजेक्टाइल मोशन के जनरली फॉर्मूला सब लोग याद कर लेते, सर्कुलर मोशन में जनरली गाड़ी हटे, तो इसलिए देखो कि मैंने प्रोजेक्टाइल बाद में करूंगा, पहले सर्कुलर मोशन करता हूं। So that was a quick summary you can say. अब क्या है? मतलब सपोज मैं एक सर्कल दे रहा हूँ,
ये डिस्क है, ये डिस्क है, इसको मैंने ऐसे फेंक दिया, ये घूमते 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 ऐसे ऐसे था। और लेट अस, इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, और इसका सेंटर भी चल रहा है आगे, तो ऐसे किस में क्या होगा? लेट अस, इसका जो सेंटर है ये जा रहा है ऐसे 20 मीटर पर सेकंड, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है सपोज 15 मीटर पर सेकंड। यानी इन जनरल समझो, इन जनरल वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, इन जनरल वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट पी क्या होता है? वेलोसिटी टेंजेंशियल। लेकिन लेकिन अगर सर्कल फिक्स्ड नहीं है और अगर सर्कल का सेंटर भी आगे पीछे कहीं जा रहा है तो सेंटर का वेलोसिटी ऐड कर देना, यानी प्लस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर। सिमिलरली अगर किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है तो तीन वजह से हो सकता है, टेंजेंशियल, रेडियल, और अगर सेंटर फिक्स नहीं है, सेंटर भी आगे पीछे हो रहा है तो वो वाला भी ऐड होगा। यानी एक्सेलरेशन रेडियली पॉइंट पी इज इक्वल टू ए पी प्लस ए आर प्लस ए सी। ठीक है, ए सी मतलब हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर। अब मान लो मैंने क्या किया, ये जो डिस्क है ये ऐसे 5 रेडियन पर सेकंड, इसका जो रेडियस है वो है सपोज 2 मीटर, और इसका जो अल्फा है वो है 20 रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर मतलब अल्फा ही होगा, और ओमेगा बोलते क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, दैट इज पाई। ठीक है, अब देखो सपोज तुमको इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और मान लो इस पॉइंट पे यानी बी पॉइंट पे सपोज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल, तो क्या करो? तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए। अच्छा, एक काम करें, इसको पी और क्यू कर लो, एक्सेलरेशन में भी है और पॉइंट भी है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू, ठीक है अब कुछ कुछ और आंसर आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या होगा, 20 आई क्या, और ओमेगा क्या हो गया ना, ओमेगा तो 5 मीटर पर सेकंड और आर हो गया 2, तो 10 आई। ठीक है, तो 20 आई क्या प्लस 10 आई क्या, यानी 30 आई क्या। सुशांत तुमने कुछ आंसर दिए है लग रहा है, देखता हूँ क्या क्या दिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी तो सही है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू पे आता है, वेलोसिटी ऑफ, देखो कोई सा भी पॉइंट हो सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है हर एक के लिए सेम है, सेंटर तो सेंटर है, एक ही पॉइंट होता है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ क्यू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर, यानी 20 आई का। लेकिन Q पॉइंट पे जो टेंजेंशियल होता है, आप देखो एक चीज और ध्यान, P पॉइंट पे टेंजेंट एक्चुअली इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पर टेंजेंट ही तो है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये कैसे डिसाइड करोगे? ओमेगा के सेंस को देखते हैं, ध्यान से देखो ओमेगा कैसे दिया, क्लॉकवाइज ओमेगा, यानी ये ऐसे 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 जा रहा है, यानी ये तो इधर जा रहा है, एग्री करोगे? देयरफॉर ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, तो वो जाएगा 20 आई कैप प्लस 10 आई कैप, यानी 30 आई कैप। अब क्यू पॉइंट के लिए क्या होगा, मैं टेंजेंशियल बोलती क्या होगा, या तो ऊपर या तो नीचे, मैंने पहले बोला था ओमेगा के सेंस से देखना पड़ता, यानी माइनस ओमेगा इंटू आर, यानी माइनस 10 जे, 20 आई कैप माइनस 10 जे, और ये आंसर है, इसके बाद और सिंप्लीफाई तो होता नहीं है, आई और जे सिंप्लीफाई नहीं, अगर आई और आई होता तो सिंप्लीफाई हो जाता, जे और जे होता तो सिंप्लीफाई हो जाता है, सो
अब एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी, तो एक्सेलरेशन में तीन टर्म्स आए, सेंटर सेंटर का एक्सेलरेशन दे रखा है डाउनवर्ड 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी माइनस 15 और दूसरे वाले के लिए माइनस 15 जी, ये पूरे डिस्क का एक्सेलरेशन है सर। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना कि जो ये रेडियल होता है ना, ओमेगा स्क्वायर आर, दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो अब ये काम करते हैं, पहले टेंजेंशियल वाला हिसाब कर ले, तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल क्या होगा, अल्फा आर, आर बोलते 2 यानी अल्फा आर बोलते 20 इनटू 2 यानी 40, और दोनों में से कौन सा डायरेक्शन यूज करोगे, अल्फा के हिसाब से। तो देखो जरा अल्फा किस तरह, इस तरह, तो अल्फा इस बार हम कौन सा चूज करेंगे, माइनस आई कैप पर, अल्फा 20 R2 यानी माइनस 40। और पॉइंट Q पे क्या होगा, पॉइंट Q पे टेंजेंशियल कैसे होगा, या तो ऊपर या तो नीचे, तो वो कैसे डिसाइड करोगे, लेकिन इसको देखते हुए खुद सोचो कैसे डायरेक्शन आ रहा है, ऊपर की तरफ है या नहीं, यानी यहाँ पे यानी Q पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपवर्ड्स हो, तो अल्फा इंटू आर यानी 40 जी। लास्ट में क्या है, सेंट्रिपिटल यानी रेडियल यानी ओमेगा स्क्वायर आर, हमेशा टुवर्ड सेंटर, तो पॉइंट पी के लिए टुवर्ड सेंटर होता है ये वाला, और ओमेगा स्क्वायर आर कितना, ओमेगा स्क्वायर मतलब 25 और आर मतलब 2 यानी 50 डाउनवर्ड्स, यानी पॉइंट पी के लिए ओमेगा स्क्वायर इज डाउनवर्ड्स और कितना 50, तो माइनस 50 जी। पॉइंट क्यू के लिए क्या होगा, रेडियल सेंट्रिपिटल टुवर्ड सेंटर, यस, क्योंकि माइनस आई क्या, तो ओमेगा स्क्वायर आर कितना हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर इनटू 2 और इसका डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर यानी माइनस आई क्या, यानी माइनस भी आई क्या, तो कितना हो गया फिर ना, माइनस 40 आई क्या, और इन दोनों को मिला के हो जाएगा माइनस 65 सेंटर, यानी माइनस 50 आई क्या प्लस 25 जे का, अब ये हो गया हिसाब किताब की वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा कैसे। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू सारा कुछ इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना, और देखता हूं इसमें आंसर क्या आ रहा है। तो एक बार देख लेना, थोड़े थोड़े करके तुम्हारे मिस्टेक हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ तुषार ने जो आंसर भेजे है, चलो कोई बात नहीं, आई होप आई अंडरस्टूड व्हाट इज द वेलोसिटी का आंसर तुम्हारे सही है, एक्सेलरेशन के आंसर में थोड़े थोड़े मिस्टेक्स, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमें एक बार अच्छे से देख लो एक्सेलरेशन का खास कर, सिंगल स्टार ही दिया बट फिर भी स्टार टू स्टार है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालना होता है उसका प्रोसेस देखकर।
अब क्लियर हो गया सुशांत, कहाँ मिस्टेक हुआ था समझ में आ गया? इससे वो सेंट्रिपिटल वाला रह गया था। अच्छा सेंट्रिपिटल वाली है नहीं, चलो ठीक है। ऋषिता साइंस ये एक्सेलरेशन वाला कंफर्टेबल है? यस सर। Test is like this that ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये ग्राउंड के ऊपर, मैंने इसके ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, मैं इसके डायरेक्ट कंक्लूजन बताऊंगा, बहुत ध्यान रखना। इस तरह अगर ग्राउंड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अगर यू आगे जा रहा है घूमते हुए, इन दैट केस बॉडी स्लिप करके जा सकता है, बॉडी स्लिप कर सकता है, पर स्लिप कब नहीं करेगा, है ना, स्लिप कब नहीं करेगा। तो अगर नो स्लिपिंग चाहते हो, जैसे यहां स्लिप करना, अगर ये नहीं चाहते हो, अब इसका ना पूरा पूरा डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन बहुत कुछ है, बट इतना कुछ करने का भी टाइम नहीं है, अभी जस्ट इसका डिटेल समझ लो। इज दैट नो स्लिपिंग के लिए पता क्या कंडीशन है, थोड़ा ध्यान से सुनो, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है, अगर मैं दो पॉइंट लेता हूं जो आपस में कॉन्टेक्ट में, अगर तुम चाहते हो कि ये स्लिप ना करें, ये ध्यान रखना। और क्या, द एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट या कॉन्टैक्ट लाइन और सरफेस शुड बी सेम। क्यों, अगर एक्सेलरेशन अलग अलग हो तो क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन अलग अलग होगा तो दैट केस क्या होगा, एक फास्ट चला जाएगा, एक स्लो चला जाएगा, ये तो स्लिप कर गया, नहीं तो ऐसे जा रहा था, देखो स्लिप नहीं कर रहा है। बट अगर तुम कह दो कि नहीं ऊपर वाला ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है नीचे वाले से, दैट केस तो ऊपर वाला फास्ट चला गया, ये तो स्लिप कर रहा है, जाता रहे दोनों ही आगे, पर अगर तुम ऊपर वाले को ज्यादा एक्सेलरेट करो तो दैट केस तो स्लिप करके जा रहे थे, और अगर सेम एक्सेलरेशन होगा तो दैट केस क्या होगा, दोनों ही कट के आगे चलते रहे। ये दो कंडीशन होता है अगर तुम चाहते हो कि स्लिपिंग ना हो और फ्यूचर में भी स्लिपिंग ना हो, इसको हम लोग कहते हैं मेंटेनिंग नो स्लिपिंग कंडीशन, इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेन्ड नो स्लिपिंग कंडीशन। इसके लिए दो कंडीशन, नंबर वन इज दैट अगर ग्राउंड फिक्स्ड है, ध्यान से सुनो, अगर ग्राउंड फिक्स्ड है फॉर फिक्स्ड सरफेसेस वी मस्ट बी ओके, or and A must be equal to alpha. लेकिन ध्यान रखना ये मैंने फिक्स सरफेस के लिए बोला, आज तो कम टाइम है, अगले दिन मैं अगर मूविंग सरफेस होगा तो क्या होगा वो भी बताऊं, बस जाने के पहले एक क्वेश्चन कर लो, उसे थोड़ा आइडिया लगता है, ठीक है।
अगर ये सिलेंडर या स्फीयर या रिंग या डिस्क या जो भी है, अगर ये नो स्लिपिंग कंडीशन में सेटिस्फाई करते हुए आगे जा रहा और उनके वेलोसिटीज दिया हुआ, सेंटर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और सेंटर का एक्सीलरेशन दे रखा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे केस में तुमको बताना है पॉइंट पी का वेलोसिटी और पॉइंट पी का एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व करो, मैं हाफ ए मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊ। को इस तरफ चलना है तो बॉडी को ऐसे घूमना पड़ेगा, ठीक है ना, बॉडी को ऐसे घूमना पड़ेगा, यानी इसका ओमेगा और अल्फा ऐसे, ठीक है। इसका ओमेगा देखते हो तो क्या होगा ना, इसमें नो स्लिपिंग कंडीशन तो क्या वी इज़ ओमेगा, वी तो 10 है और ये 2 है, इससे ओमेगा आ गया 5 रेडियन पर सेकंड। और ए का क्या होगा, ए इज इक्वल अल्फा कितना होगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, यानी 12 बाय 2, यानी 6 रेडियन पर 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा भी आ गया और ओमेगा भी आ गया, ठीक है ना। अब हमें पॉइंट पी का वेलोसिटी चाहिए, तो देखो पहले तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर तो 10 आई क्या, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी आ जाएगा 10 आई क्या, तो कौन सा सेंटर होगा, और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, या तो ऊपर या तो नीचे, और ओमेगा देखो जरा ऐसे, इसकी वजह से नीचे वाला ही लिया गया, और ओमेगा आर क्या होगा, ओमेगा तो 5 है और आर 2 है माइनस, तो 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। अब आ जाओ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी क्या होगा, सेंटर का एक्सेलरेशन जस्ट 12 आई कैप और अल्फा कितना है 6, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी तो इधर ही होगा ना, क्यों देखो अल्फा के साथ, ठीक है, अल्फा के साथ से तो अल्फा भी नीचे की तरफ, तो अल्फा भी क्या होगा 6 * 12 बन गए माइनस 12 जे कैप। हेलो हाँ जी सर, ना ना बस 2 मिनट बस क्लास करता हूँ, हाँ बस अभी 2 मिनट कॉल कर। सेंटर का और टेंजेंशियल, अब आ जाओ रेडियल, रेडियल क्या होगा ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर 25 और आर 2, और वो इस तरफ टुवर्ड्स सेंटर यानी माइनस 30 आई, यहां तो थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाएगा, तो यानी माइनस 38 आई कैप माइनस 12 जे, और ये हो गया 10 आई कैप माइनस 10 जे, ये हो गया दोनों जो है सर्कुलर मोशन का consequence velocity or acceleration of point P R। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल था, पर ये एग्जांपल इसलिए सिंपल था क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड है ना, यानी जो सरफेस है वो रेस्ट पे है, अगर ये सरफेस भी चलने लगेगा तो क्या होगा इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुमारोस क्लास, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल के क्लास में एक तो सर्कुलर मोशन के ऊपर थोड़ा सा और एक आध दो क्वेश्चंस करेंगे, एक आध कंसेप्ट भी सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अब धीरे धीरे जो है ना असाइनमेंट वगैरह भी तुमको ऐप के अंदर मिलने लगेगा, तो मे बी कल या परसों तक जो से जो है असाइनमेंट्स भी मिलने लगेंगे, तो उनको भी आप धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू कर देना, और उसके आंसर चॉइस लिख के मुझे भेज देना।
देखते हैं शायद कल तक अपलोड हो जाए ऐप के अंदर असाइनमेंट। और ऐप का लिंक मैंने तुम लोगों को भेजा हुआ है क्या? यस सर। सुशांत तुमने ऐप का लिंक वो कर लिया? यस सर कर लिया इंस्टॉल। अच्छा अंश जी से इंस्टॉल कर लिया। आया ना क्या बोल रहा? जी सर कर लिया इंस्टॉल। कर लिया ना इंस्टॉल, चलो ठीक है फिर मैं उसको बैच में डाल दूंगा और उन लोगों को जो असाइनमेंट्स वगैरह उसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है? चलो ओके बेटे, आज के लिए इतना ही, फिर हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।